एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन यूके के सदर शकील पुरी का यह कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और ईद उल अजहा के मौके पर हमारी कम्युनिटी को एहतियाती तदाबीर को मलहूसे खातिर रखना होगा और बाहमी मेलजोल को महदूद रखना होगा। इसहाक चौधरी की रिपोर्ट। हमारा आज का जो एक मैसेज है वो एक रिक्वेस्ट है हमारी पूरी कम्युनिटी को पाकिस्तान में और पाकिस्तानी और एशियन कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान से बाहर बसती है कि ईद इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मनाएंगे। इस ईद का नाम ईद उल अधा यानी कि ईद ए कुर्बान भी है। तो इसमें हमें देखना है कि जो मैसेज अल्लाह और नबी की तरफ से हमें मिला कि हमने इसमें क्या अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करनी है वो ये है कि जो हमारा मिलना जुलना और जो हमारी शॉपिंग है उसमें जब हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को गले लगा के ईद मिलें एक दूसरे से हाथ मिलाएं, जब हम एक दूसरे की फैमिलीज को ईद मुबारक कहें तो हम इन द पास्ट हम एक दूसरे को बिल्कुल करीब मिलते थे हाथ लगाते थे गले मिलते थे। मेरे ख्याल में इसको हमें थोड़ा सा कुर्बान करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि COVID-19 जो कि पेंडेमिक अभी तक चल रहा है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे यूके और पाकिस्तान के अंदर अभी इसकी पीक जो है वो अभी भी मतलब उतनी ही खतरनाक है जितनी के पहले थी। हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर दो शहरों में लेस्टर में जहाँ पे लॉकडाउन कर दिया गया है, ब्लैकबर्न जहाँ के बहुत सारे लोग हमारे एशियन और मुसलमान लोगों को दोबारा से ये डिज़ीज़ हो गई है। इस कुर्बानी को हमें करना पड़ेगा कि इन लोगों की कि जिन लोगों की आपस में मिलने जुलने की वजह से ईद जो है वो इफ़ेक्ट हुई है इसको इस प्रॉब्लम को यहीं पे रोक दिया जाए। तो हमारा मैसेज और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो यूनाइटेड किंगडम की और पाकिस्तान की है उसकी जो गाइडलाइंस और उसकी जो हमें तरीका बताया गया है कि कैसे एक दूसरे से अलग रहें उसको फॉलो करें ताकि इस बीमारी को यहीं पर रोका जाए और हम एक दूसरे के साथ ईद के बाद भी उसी तरह से मिल सकें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ईदें आएंगी, अगर सेहत होगी तो ईद जो है वो उसी तरह अपने पूरी फुल फ्लो के साथ मनाई जा सकेगी।